नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की खास खबरों पर। कोरोना इन हिमाचल, रिकॉर्ड 2,539 लोग पॉजिटिव, 33 लोगों की गई जान। निजी स्कूल ने लगाई कक्षाएं, प्रशासन ने प्रबंधक से वसूला 5,000 रुपए का जुर्माना। हिमाचल के 2 जिलों में सामूहिक भोज पर रोक, मंडी में देवी देवताओं की शोभा यात्राओं पर भी प्रतिबंध। गुड़िया रेप और हत्या मामले में आरोपी नीलू दोषी करार, 11 मई को सुनाई जाएगी सजा। सरकारी राशन डिपो के लिए समय सारणी जारी, 1 मई से लागू होगी नई व्यवस्था। शिमला के कोटखाई में भीषण अग्निकांड, 7 घर राख, जिंदा जल गई बुजुर्ग महिला। पहले दिन गुजरे करीब 30,000 वाहन, पुलिस ने बढ़ती नरमी। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। रिकॉर्ड 2,539 लोग पॉजिटिव, 33 लोगों की गई जान। हिमाचल में कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। बुधवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में रिकॉर्ड 2,539 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं आज रिकॉर्ड 33 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हुई। हिमाचल के कांगड़ा जिले में आज कोरोना विस्फोट हुआ। कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 693 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि आज हिमाचल में 1,552 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में आज दिन तक कोरोना के 93,889 मामले सामने आए। इसी तरह से आज तक 76,335 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में अब तक 1,407 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में 16,098 कोरोना संक्रमित मौजूद हैं। हिमाचल के 2 जिलों में सामूहिक भोज पर रोक, मंडी में देवी देवताओं की शोभा यात्राओं पर भी प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी जिले में धाम और सामूहिक भोज पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। चंबा जिले शादी समारोहों में अब सामूहिक धाम और रिसेप्शन पर रोक लगा दी गई। शादी के दौरान आयोजित होने वाली धाम और रिसेप्शन में लोगों का जमावड़ा होने संबंधी शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाकायदा इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी। 29 अप्रैल से नए आदेश लागू माने जाएंगे। अधिसूचना में साफ कहा गया है कि पैलेस में शोर शराबा होने पर पैलेस को 10 दिन तक सील कर दिया जाएगा। शादी समारोह में अब महज परिवार के करीबी लोग ही कोविड नियमों का पालन करते हुए शरीक हो सकते हैं। जिले में कोविड महामारी की दूसरी लहर में संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति करने में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया आड़े। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के मामले में आपदा प्रबंधन अधिनियम आड़े आ गया। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार इसे अपनी ओर से नहीं दे पाएगी क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश सरकार खुद इस पर फैसला नहीं ले सकती। गुड़िया रेप और हत्या मामले में आरोपी नीलू दोषी करार, 11 मई को सुनाई जाएगी सजा। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में बुधवार को सत्र न्यायाधीश शिमला की विशेष अदालत ने चिरानी नीलू को दोषी करार दिया। मामले की सुनवाई 2:53 पर शुरू हुई और 8 मिनट में ही आरोपी को दोषी करार कर दिया गया। अब सजा देने के बारे में सुनवाई 11 मई को होगी। हालांकि नीलू आरोपों से इस दौरान भी इनकार करता रहा। सुनवाई सत्र न्यायाधीश शिमला राजीव भारद्वाज की विशेष अदालत में वर्चुअल तरीके से हुई। आरोपी को कंडा जेल से वर्चुअल तरीके से पेश किया गया। गौर हो कि 4 जुलाई 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में उसका शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 6 आरोपी पकड़े गए। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू निवासी हलाइला, सुभाष बिश निवासी गढ़वाल, सूरज सिंह लोकजन उर्फ छोटू निवासी नेपाल और दीपक निवासी पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार शामिल थे। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 की रात हत्या कर दी गई। सरकारी राशन डिपो के लिए समय सारणी जारी, 1 मई से लागू होगी नई व्यवस्था। 1 मई से हिमाचल प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों को खोलने और बंद करने की समय सारणी जारी कर दी गई। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि उचित मूल्यों की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दोपहर के भोजन का समय 1 से 2 बजे तक होगा। ग्रीष्मकाल में रविवार को कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उचित मूल्यों की दुकानें हर सोमवार को बंद रहेंगी। उचित मूल्य की दुकान सिर्फ अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बंद की जा सकती हैं। रोहतांग में बर्फबारी, बहाल नहीं हो सका मनाली लेह मार्ग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम में फिर से करवट ली। बुधवार दोपहर बाद रोहतांग के अलावा चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे हैं।
इससे तापमान गिर गया। दोपहर बाद बिगड़े मौसम से रोहतांग दर्रे की चोटियों सहित कुंजम पास और बारालाचा में हल्का हिमपात होने की सूचना है। दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और घने बादलों को देखकर किसानों बागवानों की चिंता बढ़ गई। पट्टन घाटी के किसान भी फसल बुआई को लेकर असमंजस में हैं। शिमला के कोटखाई में भीषण अग्निकांड, 7 घर राख, जिंदा जल गई बुजुर्ग महिला। शिमला जिले के कोटखाई तहसील के फनेल गांव में आग लगने से 7 मकान राख हो गए। इस अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना में करीब 4 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। 7 परिवार बेघर हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार जब एक घर में अचानक आग भड़की तो ग्रामीण जान बचाकर बाहर की ओर भागे। लोगों ने घटना की सूचना अग्निशमन केंद्र और जिला प्रशासन को दी। दमकल विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 75 वर्षीय विमला देवी की जलकर मौत हो गई थी। पहले दिन गुजरे करीब 30,000 वाहन, पुलिस ने बरती नरमी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी बैरियर पर बुधवार को पिछले 24 घंटे में रोजाना की तरह वाहनों की आवाजाही रही। पहले दिन करीब 30,000 वाहन बॉर्डर से होकर गुजरे। हालांकि पुलिस ने किसी भी वाहन को वापस नहीं भेजा, लेकिन वाहन चालकों को जागरूक जरूर किया। बद्दी बैरियर सुबह समय 8:40 पर थाना प्रभारी विजय कुमार निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को कोविड सुरक्षा को लेकर जारी निर्देशों की जानकारी दी। 1 मई से शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग, सामूहिक भोज पर भी प्रतिबंध। कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन ऊना ने शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से घटाकर 20 कर दी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि 1 मई 2021 से शादी में वर वधू को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सीएम जयराम ने शिमला जिले के अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला जिले में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि बाहरी राज्यों से जिलों में आने वाले सभी लोग ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति संबंधित क्षेत्र में आशा वर्कर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी जानकारी दें। हिमाचल में बिजली खपत से तय होगी मीटर की सिक्योरिटी राशि। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक और झटका लगने जा रहा है। नई बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी राशि में कुछ कमी रहने के साथ बिजली खपत के हिसाब से मीटर की सिक्योरिटी राशि तय करने का फैसला भी लिया है। पुराने कनेक्शन धारकों की 1 साल और नए की 6 से 9 माह बाद समीक्षा होगी। उपभोक्ताओं के औसत बिल के आधार पर सिक्योरिटी राशि तय की जाएगी। सिक्योरिटी राशि और एवरेज बिजली बिल के बीच 500 रुपए का अंतर होने पर सिक्योरिटी राशि नहीं बढ़ेगी, इससे अधिक अंतर मिलने पर राशि बढ़ेगी। इस नियम से तय होने वाली नई सिक्योरिटी राशि को 3 किस्तों में बिजली बिल में वसूला जाएगा। 3 मई को निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल को टैक्सी वालों का समर्थन, सरकार बोली मत करो स्ट्राइक। आखिर निजी बस ऑपरेटर्स के सब्र का बांध टूट गया। 3 मई से राजधानी शिमला सहित पूरे जिले में कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। ये निर्णय हिमालयन निजी बस ऑपरेटर यूनियन का है। यूनियन के प्रधान वीरेंद्र कंवर व महासचिव अतुल चौहान ने डीसी के मार्फत एक अल्टीमेटम जयराम सरकार को दिया। इसमें कहा गया कि अगर सोमवार से पहले उनकी बहुप्रतीक्षित टैक्स माफी एवं वर्किंग कैपिटल की मांग को नहीं माना गया तो 3 मई से जिला शिमला में कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। निजी स्कूल ने लगाई कक्षाएं, प्रशासन ने प्रबंधक से वसूला 5,000 रुपए जुर्माना। कोरोना के चलते शिक्षा विभाग ने विद्यालय में कक्षाएं लगाए जाने पर रोक लगाई। रोक के बावजूद गाइडलाइन की अवहेलना संचालित करने की शिकायत पर एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय के साथ एक निजी स्कूल में बच्चों की कक्षाएं लगी हुई पाई गई। एसडीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधक को 5,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। राजेंद्र राणा ने साधा निशाना, बोले देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात बना रही मोदी सरकार। सुजानपुर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य ढांचा सुदृढ़ करने में पूरी तरह विफल रही, जिस कारण पूरे देश में हाहाकार मचा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम देशों ने पिछले 1.25 साल के दौरान अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और राजनीतिक नेतृत्व की दूरदर्शिता की बदौलत कठिन हालातों पर काबू पाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने यह अवधि अपने राजनीतिक हित साधने और गैर कांग्रेसी सरकारों को अस्थिर करने में लगा दी। एचबी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शिमला को आरबीआई ने लगाया 40 लाख रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शिमला को 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये पेनल्टी आरबीआई ने बैंक पर नाबार्ड के नियामक निर्देशों का पालन न करने पर लगाई।
रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की निगरानी और रिपोर्टिंग के दिशा निर्देशों की समीक्षा की। इस दौरान RBI ने पाया कि राज्य सहकारी बैंक द्वारा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की गाइडलाइन की अनुपालना नहीं की गई, जिसकी वजह से ये जुर्माना लगाया गया। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। अगर आप भी इसी तरह की खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।